अच्छा निहारिका, मैं चलता हूँ। अरे सुनो ना, मुझे घर का राशन लाना है, तो थोड़े पैसे दे के जाओ। ये लो 2000 है। 2000 रुपए? यार बॉबी, 2000 रुपए में क्या होता है? कौन सी सदी में जी रहे हो तुम? तो कितने चाहिए फिर? कम से कम 10-12 हजार चाहिए घर के खर्चे के लिए। क्या यार निहारिका, पागल हो गई हो क्या? 10-12 हजार का राशन आता है क्या कोई? मैं भी तो लाता था ना 3-4 हजार का। तब आ जाता होगा, लेकिन अब नहीं आता है। तुम्हें पता नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। यार निहारिका, तुम्हारे ना खर्चे ही खत्म नहीं होते हैं, जब देखो तब खर्चे करवाती रहती हो। ये लो 5000 रुपये, अभी इतने ही है, तो इनसे काम चला लेना। ठीक है, मैं तो काम चला लूंगी इन 5000 में, लेकिन तुम्हें जब रोज आलू टमाटर की सब्जी खानी पड़ेगी ना, तो मुझसे मत बोलना। ठीक है यार, तुम आलू टमाटर की सब्जी खिला देना। ठीक है। अरे आ गए तुम? एक कप चाय पिला दो यार, सर में बहुत तेज दर्द है। क्या हुआ बोबी, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? यार आज ही सैलरी मिली थी मुझे, घर वापस आ रहा था तो आते टाइम वॉलेट चोरी हो गया, सारे पैसे उसी में थे। अब समझ नहीं आ रहा कि घर का रेंट, राशन, घर का खर्चा कैसे चलेगा। बस इसी सब को लेके दिमाग बहुत टेंशन में हो रहा है। बस इतनी सी बात, तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। सुनो, ये 20-25 हजार होंगे, इनमें काम चल जाएगा क्या? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहाँ से आए? ये 3 हजार हो गए घर के खर्चे के लिए, और ये 2 हजार पे मेरी सेविंग्स। बॉबी, मैं तुम्हें पक्का बता देती, पर मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगी। वो क्या है ना, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू यार मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पिज्जा खिलाना पड़ेगा। लाओ दो, 500 रुपये दो।